Namaste. Welcome to the self-upgradation spectrum of Life 360 app. It is said that whatever got you here will not take you there. In fact, there's a beautiful book written on the same concept. कि जो qualities, जो capabilities हमें यहाँ तक लेके आई हैं जहाँ हम पहुँचे हैं, यही quality, यही capability अब हमें आगे नहीं लेके जा सकती. तो सीधा सारा इसका एक concept, इसका understanding है that we got to be on a constant upgradation mode. चाहे हम नौकरी कर रहे हों, चाहे हम बिजनेस कर रहे हों, चाहे हम रिलेशनशिप में हों, चाहे हम कोई रिसर्च में हों, चाहे हम स्टूडेंट हों, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ यू विल सी दैट देयर इज अ लिमिटेशन टू वेयर यू विल रीच बेस्ड ऑन योर करंट कैपेबिलिटीज. क्योंकि जो आप फेस कर रहे हो या आप फेस करने वाले हो वो हमेशा आपसे एक लेवल ऊपर पे आने वाला है. और अगर आप वही फेस कर रहे हो जो आप कल तक फेस करते आए हो, दिस मीन्स देयर इज नथिंग न्यू फॉर यू. And when there's nothing new for you, this means there's no growth for you. बहुत बार ऐसा होता है कि when I talk to team members across organizations, तो बहुत बार ऐसा समझ में आता है कि the team members are dependent on their bosses, they're dependent on their companies, that the companies will train them, the bosses will train them. और कभी कभार companies train कर लेती हैं, कभी कभार bosses ध्यान दे लेते हैं, but अक्सर छोटी companies में ये possible नहीं होता. And as a result, there are people who are working for years at a stretch. And they have not upgraded their skill sets. और उस कारणवश जो ग्रोथ आने चाहिए, जो कंपनी में मोमेंटम आना चाहिए, वो नहीं आता. So as a team member, I feel you should upgrade your skill sets. आप जो हो, जिस काम में हो, उसका एक नया वर्जन तो है ना. अब मोबाइल ऐप की अगर हम बात करते हैं, you all are using your mobiles. I got my own mobile. Every now and then, उसमें आता है upgrade software. और अगर आपने अपना software upgrade नहीं किया, तो कुछ एप्लीकेशंस, कुछ ऐप्स ऐसे हैं जो उस पुराने सॉफ्टवेयर पे यूज नहीं हो सकते. सो हार्डवेयर वही है लेकिन सॉफ्टवेयर नए नए आ रहे हैं. तो अपना भी हार्डवेयर वही है लेकिन क्या हम सॉफ्टवेयर कुछ नया डाल रहे हैं? नंबर टू एस्पेक्ट ऑफ दिस अपग्रेडेशन इज जब हम अपग्रेड करते हैं, हम कुछ नया सीखते हैं, तो देर इज दिस एक अंदर से एक अ सेंस ऑफ न्यूनेस इज देयर, अ सेंस ऑफ एक्साइटमेंट इज देयर. जैसे एक बच्चे में होता है ना, क्योंकि बच्चा हमेशा कुछ नया नया सीखता है. तो आप कुछ अगर नई एक लैंग्वेज सीख रहे हो, आप कुछ म्यूजिक सीख रहे हो, आप कुछ अपने प्रोफेशन के बारे में सीख रहे हो, चाहे आप अपने किसी हेल्थ के आस्पेक्ट के बारे में सीख रहे हो, सो यू आर एक्चुअली मेकिंग दैट चाइल्ड लिव विद इन यू. और हर एक इंसान के अंदर एक बच्चा जो है ना, वो ज़रूर होना चाहिए. हम उम्र से पहले हम बूढ़े हो रहे हैं, क्योंकि हमारी एज तो हो ही रही है. फिजिकली हम जो एज कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन हम अंदर की जिज्ञासा, अंदर की एक्साइटमेंट, अंदर का उत्साह हम मार रहे हैं कुछ नया ना सीख. So in your meetings with people, your parties, your social gatherings, I think this becomes a good way to talk to people that I'm learned this or I'm learning this. And it may also be that in your family functions, you can showcase some talent of yours. So मुझे लगता है कि बूढ़े वो लोग होते हैं जो कुछ सीखते नहीं, उसका एज से कोई लेने देना नहीं है. और जवान वो लोग रहते हैं जो किसी भी एज तक सीखने को तैयार रहते हैं. तो मुझे लगता है कि ये एक जिंदा दिली की निशानी है कि हम कुछ नया सीख रहे हैं. तो सो सेट योर सेल्फ अपग्रेडेशन गोल्स एंड मेक दिस स्पेक्ट्रम ऑफ योर लाइफ द ब्राइटेस्ट इन टर्म्स ऑफ ऑल द स्पेक्ट्रम्स. सो हैप्पी अपग्रेडिंग योर सेल्फ. बाय फॉर नाउ. नमस्ते.